पानीपत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैकर की टीम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये लोग पलक झपकते ही एटीएम बैंक अकाउंट को हैक कर लेते थे और लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि इन 4 हैकरों को GT रोड पर स्थित HDFC बैंक के सामने से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार ये हैकर बार बार ATM की तरफ देख रहे थे, जिस कारण पुलिस को उन पर शक हुआ और शक के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। इस दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें 2 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क व 3 ब्लैंक ATM कार्ड बरामद हुए। कलम शाम के टाइम गश्तराय में पानीपत में थे, जो संजय चौक पर खड़े थे। मुखबिर खास नारायण की सूचना दी कि HDFC बैंक के सामने एक ट्रेनो गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जो बार बार HDFC बैंक की तरफ लगा रहे हैं और उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं। तो मैंने इसको फारिग करके नमाजमन के साथ काबू किया। काबू करके देखा, नाम पते पूछे, लिखे, जिसने एक ने अपना नाम अमित बतला, दूसरे ने अतुल, तीसरे ने विक्रम व चौथे ने संदीप बतला, जो अलग अलग शहर रहने वाले थे। फिर साइबर सेल से इंचार्ज बुलाया गया, जिस साइबर की इमदाद से लैपटॉप चेक किए गए, लैपटॉप में उनके पास डाटा पाया। उसके बाद अपने इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप कुमार मौका पर हाजिर आए। आगामी कब्जिश में डाटा इंक करते हैं विदेशों से और इंडिया से करते हैं और खरीद ब्रोकर भी भेज देते हैं, उसमें कुछ कमीशन देते हैं।